स्वागत है छात्रों मेरे चैनल एजुकेशन में। छात्रों आज हम अर्थमेटिक सीरीज के एक्सरसाइज 5.3 के भाग 4 में हम क्वेश्चन नंबर 4 से देखेंगे। इससे पहले हम भाग 1 में इसी चैप्टर का मुख्य फॉर्मूला और उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। अगर आपने उसे नहीं देखे हैं तो उसे अवश्य देख ले, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं छात्रों हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 डॉट डॉट के कितने पद लेने चाहिए। मतलब समझे, जो श्रेणी दिया गया है इस श्रेणी के कितना पद को जोड़ेंगे कि योग कितना पूर जाएगा 636। अब इसको हम क्या करेंगे, बनाएंगे। इससे पहले छात्रों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं। तो चलते हैं छात्रों देखते हैं कैसे बनेगा। तो हम बताए थे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो पहले ए मालूम करेंगे, डी मालूम करेंगे, एन मालूम करेंगे, ऐसे ही करके। मतलब ये तीन चीज तो मुख्य है अति सॉल्व करने के लिए। तो चलते हैं पहले हम क्या मालूम करते हैं, ए ए कितना है, ए बताए थे ए का मतलब होता है प्रथम पद, प्रथम पद कितना है 9, तो लिख लिए 9। अब डी, डी के डी का मतलब क्या बताए थे, दूसरा पद में से पहला पद को घटाना था। दूसरा पद क्या है, A2 - A1 कर देते हैं, सूत्र होता है इसका। तो दूसरा पद हम लिख देते हैं 17 - 9 बराबर कितना हो जाएगा 8, निकल गया डी। अब क्या कर बोले थे, एन, एन तो हमको ज्ञात ही करना है। अब एन के बाद क्या करेंगे, तो देखेंगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो यहां पर दिया हुआ योग क्या है 636, तो योग मतलब एस बराबर कितना 600 कितना 36 दिया हुआ है ना, लिख लिए। अब एस, एस का फॉर्मूला हम बता चुके हैं, ठीक है ना, क्या फॉर्मूला होता है इसका, एन बटे टू मध्यमाकोष 2a + n-1 × d मध्यमाकोष बंद बराबर 636, ठीक है ना। एन, एन का मान दिया हुआ है, नहीं है, एन तो निकालना ही है, तो एन बटे टू छोड़ देंगे। मध्यमाकोष 2a, a का मान कितना है 9 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी का मान कितना है 8 मध्यमाकोष बंद बराबर 636। एन बटे टू मध्यमा कोष्ठ गुना करेंगे कितना होगा 9 × 2 = 18 प्लस ई 8 से इसमें गुना कर देंगे कितना होगा 8n - 8 कोष्ठ बंद बराबर कितना 636। एन बटे टू, अब क्या करेंगे 18 में से 8 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 10 + 8n कोष्ठ बंद बराबर कितना 636। अब क्या करेंगे इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, तो एन बटे टू गुने 2 कोष्ठ में क्या होगा 5 + 4n कोष्ठ बंद बराबर 636। अब क्या करेंगे 2 से 2 काट देंगे, तो क्या होगा इसे गुना करेंगे तो क्या होगा 5n + 4n² = 636। अब सजा लेंगे इसको, 4n² + 5n - 636 = 0। अब इसको द्विघात के सूत्र का प्रयोग करके हल कर लेंगे। इसके लिए क्या करते हैं, हम a मालूम करते हैं, a कितना है 4, b कितना है 5, c कितना है -636 हो गया। तो d बराबर सूत्र जानते ही होंगे कितना होता है b² - 4ac, b का मान कितना है 5 है, तो 5k² - 4ac सब का मान बैठा दिए, बैठाना दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25 - इसको गुना करेंगे 4 × 16, 16 में कितना से 16 से गुना करना है 636 में, तो कितना आ जाएगा, गुना कर लेते हैं 636 16 से, 16 × 25 = 96, 96 + 6 = 9, 16 × 3 = 48, 48 + 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 57, 57 के साथ हासिल कितना हो जाएगा 5, 16 × 95 = 96, 96 + 5 कितना हो जाएगा 101 हो गया ना, तो कितना हो गया 10 176 लिख लिए। अब इसको क्या करना है, यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब इसको जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25, इसमें जोड़ लेना 6 × 5 = 1, 9 × 1 = 10, 9 × 1 = 0, 1 + 1 = 2, 10 + 20 = 1 आ गया, 10 + 20 = 1 आ गया ना, डी निकल गया। इसीलिए निकालेंगे क्या चीज हमको निकालना, किसमें है एन, एन बराबर क्या लिखेंगे -b + √d/2a, ठीक है। बी माइनस तो दिए, बी का मान कितना है 5, तो लिख दिए प्लस माइनस डी, डी का मान कितना है 1, 10, 20, 1 लिख दिए बटे 2a, a का मान कितना है 4, ठीक है। तो -5 + -10 + 20 1 का वर्गमूल होता है 101 बटे कितना 8, यहाँ पर प्लस माइनस है तो एक बार जोड़ देंगे और एक बार क्या करेंगे घटा देंगे, तो क्या होगा बराबर -5 + 101 / 8 -5
माइनस 101 बटे 8 हो गया। अब क्या करेंगे, बराबर देंगे दोनों को, अब क्या करेंगे माइनस प्लस है तो घटेगा, 101 में से 5 गया कितना बचेगा 96 बटे 8 कॉमा, अभी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो लिखेंगे माइनस 106 बटे कितना 8, काट देंगे 12 8 96, इसे काटेंगे 4 दूनी 8, इसको काटेंगे 5 दूनी 10 हो गया। तब एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे कितना हो जाएगा 12 कॉमा माइनस 53 बटे 4। अब देखेंगे एन का मान यहाँ पर कितना आ गया, दूगो आ गया एन का मान। अब देखेंगे दोनों जो एन का मान है, ये दोनों जो एन का मान है इसमें कौन सही है, तो हम बताए थे कि माइनस वाला जो होता है कभी भी एन का मान नहीं होता है, तो प्लस वाला होगा, प्लस वाला क्या हुआ 12, तो एन बराबर हमारा कितना निकल गया, एन बराबर हमारा निकल गया 12 निकल गया। पूछ रहा था कितने पद लेने पर योग कितना पूरेगा, 636 पूरेगा, तो यहाँ पर क्या कहेंगे 12 पद लेने पर योग 636 हो जाएगा, ठीक है ना, अतः कर देते हैं, ठीक है समझ गए। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं, किसी एपी का प्रथम पद 5 कॉमा अंतिम पद 45 और योग 400 है, पदों की संख्या क्या ज्ञात करना है, पदों की संख्या और सार्व अंतर ज्ञात कीजिए, दो चीज ज्ञात करना है, मतलब पदों की संख्या को n कहते हैं और सार्व अंतर को क्या कहते हैं d, ये दो चीज हमको ज्ञात करना है ना। तो दिया हुआ क्या क्या चीज है हमको, प्रथम पद, प्रथम पद को हम क्या कहते हैं a, a बराबर कितना है 5, अंतिम पद जिसको क्या कहते हैं an या इसी को लोग l भी कहता है बराबर कितना 45, योग मतलब योग दे दिया तो एस एन दे दिया कितना 400 हो गया। तो इसी के सूत्र पर बैठाते हैं, एस एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है जानते ही होंगे, एन बटे टू कोष्ट में ए प्लस एल छोटी कोष्ट बंद बराबर 400, एन का मान है नहीं मालूम है तो रहने देते हैं, एन बटे टू, ए का मान मालूम है हाँ 5, प्लस एल, एल है कितना 45, कोष्ट बंद बराबर कितना 400, एन बटे टू 45 और 5 कितना हो जाएगा 50 बराबर कितना 400, दूसरे काट देंगे 25 क्या हो जाएगा 25 एन बराबर 400, इसीलिए एन बराबर कितना होगा 400 बटे 25, इसे काट देंगे कितना मरतबे 16 मरतबे, तो एन बराबर कितना निकल गया 16। एन ज्ञात करना था, एन मालूम हो गया, अब डी ज्ञात करना है, डी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे इस पद को ले लेते हैं, किसको एन बराबर 45 को, एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर कितना 45, ए का मान कितना 5 प्लस एन, एन मालूम हो गया 16, तो 16 माइनस एक इंटू डी बराबर कितना 45, ये 5 को उधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा 16 में से एक जल जाएगा तो कितना होगा 15 डी बराबर 45 माइनस 5, तो 15 डी बराबर कितना हो जाएगा 45 में से 5 चल जाएगा तो 40, इसलिए डी बराबर 40 बटे 15 कटेगा तो काट लेंगे, 15 पान 8 40, डी बराबर क्या निकल गया 8 बटे 3 निकल गया। पदों की संख्या, तो पदों की संख्या कितना हो गया 16 और सार्व अंतर ज्ञात कीजिए, तो सार्व अंतर कितना आ गया 8 बटे 3 हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है, यदि सार्व अंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है, तो क्वेश्चन को पढ़ लिए, अब जो जो चीज दिया हुआ है पहले उसको लिख लेते हैं, प्रथम और अंतिम पद, तो मतलब प्रथम कितना हो गया ए 17, अंतिम पद मतलब एल कहिए या उसको एन कहिए ठीक है, तो ये कितना है 350 है ठीक है। अब आगे क्या कहता है, यदि सार्व अंतर 9, इसका मतलब हुआ वो क्या हुआ डी मालूम हो गया हमारा कितना 9 मालूम हो गया, तो अब क्या कहता है इसमें कितने पद है, इसका मतलब हमको एन ज्ञात करना है, एन बराबर वाट, इनका योग क्या होगा, इस एस एन बराबर भी वाट है ना, इतना चीज हमको निकालना है ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं हमको ये जो दिया हुआ है एन बराबर, एन बराबर दे ले 350, इसी को हल करते हैं, एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 350, ए का मान दिया हुआ है 17 प्लस एन माइनस वन इंटू डी का मान है 9 बराबर कितना 350, 17 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो एन माइनस 9 इंटू
9 बराबर 350 माइनस 17, तो n माइनस 1 इंटू 9 बराबर 350 में से 17 जाएगा 333, ठीक है। तो n माइनस 1 बराबर गुना में इधर जाएगा तो भाग में जाएगा, तब 333 बटे 9, 9 से इसको काटेंगे क्या हो जाएगा, नतिया 27, एक नतिया 27 हो जाएगा ना। अब कितना बच जाता है, 27 3 30, 3 अतः 6 बच जाता है, 63, 9 7 63, 37 बार तब कटेगा। तो n माइनस 1 बराबर कितना हो गया 37, इसीलिए n बराबर क्या हो जाएगा 37 प्लस 1, तो n बराबर कितना हो जाएगा 38, n बराबर निकल गया 38। एक चीज हमारा ये निकल गया n, अब Sn ज्ञात करना है, तो Sn का फॉर्मूला तो जानते ही होंगे, Sn बराबर क्या चीज, कौन वाला लिखे, दो फॉर्मूला होता है हमको, L मालूम है और A भी मालूम है, तो A और L वाला फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। कौन सा होता है A और L वाला, तो n बटे 2 छोटी कोष्ट में A प्लस L, यही A और L वाला फॉर्मूला है ना Sn का। तो n, n का मान मालूम है कितना 38, 38 बटे 2 A, A का मान कितना है 17 प्लस L, L का मान कितना है, L का मान है 350, 350 ठीक है। अब क्या होगा, दूसरे 38 को काट देंगे 19 मरतबे, तो 19 गुने अब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 367, अब 19 से 367 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा 19 63, 6973 गुना करके आएगा, ठीक है ना, हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, सातवां क्वेश्चन देखते हैं, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 दिया हुआ है और 22वां पद 149 है, ठीक है ना। जो जो चीज दिया हुआ है लिख लेते हैं, एपी के प्रथम 22 पदों मतलब क्या पद है, 22 पद है, एन बराबर हमको क्या मालूम हो गया 22, डी बराबर क्या हो गया 7, और 22वां पद कितना है 149, मतलब ए 22 बराबर कितना 149। लेकिन हमको ज्ञात क्या करना है, तो 22 पदों का हमको क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो चलते हैं, मतलब एस 22 बराबर हुआ ए हमको ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, ए 22 को, ए 22 को हम क्या कह सकते हैं, ए प्लस 21 डी बराबर कितना 149। ए, ए का मान कितना है, ए का मान मालूम है नहीं है, ए का मान मालूम छोड़ देंगे तो ऐसे ही छोड़ देंगे, 21 गुने डी, डी का मान कितना है 7 बराबर कितना 149। तो ए प्लस 21 में 7 से गुना, 7 21 7 7 दूनी 14, 147 बराबर 149, इसलिए ए बराबर निकालेंगे तो 149 में से 147 घट जाएगा तो कितना निकलेगा, ए बराबर 2 निकल गया, ए का मान हो गया, डी का मान हो गया, एन का मान हो गया। तो अब क्या ज्ञात करना है, एस 22, तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बटे 2 मध्यमा कोष 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना। तो एन के जगह पर क्या बैठाएंगे, एस 22 बराबर एन का मान कितना हो जाएगा 22 बटे 2 मध्यमा कोष 2a, ए का मान कितना है, ए का मान निकाले हैं 2 प्लस एन, एन कितना है 22 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना है 7, 7 मध्यमा कोष्ट बंद, दूसरे इसको कर देंगे 11 दूनी 22, 11 कोष्ट में 4 प्लस 22 में से एक गया था 21 गुने 7 कोष्ट बंद बराबर 11 कोष्ट में 4 प्लस 21 में 7 से गुना था 7 21 7 7 दूनी 14, ठीक है। 11 गुने 147 में 4 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 7 4 11 1 हासिल 1 4 1 5 और 151, 151 से इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, गुना करने का एकदम सिंपल, 151 में 1 से कर लेना है तो कितना आएगा 151, ओके सामने फिर लिख देना, 1 से भी करना है तो उतना ही लिख लेंगे, 1 5 1 6 6 कितना 1661 आएगा इसका आंसर, गुना कर लिए। अब जो ये आया पूछ रहा था 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो 22 पदों का योग कितना होगा 1661। तो अब आप क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है, कौन कौन, दूसरा, तो दूसरा को क्या कहेंगे ए टू, ए टू बराबर कितना लिखेंगे 14, तो ए टू को क्या कहते हैं ए प्लस डी बराबर कितना 14 फर्स्ट समीकरण, और तीसरे पद, तीसरा पद कितना है 18, ए थ्री बराबर कितना 18, ए थ्री को क्या कहेंगे ए प्लस टू डी बराबर 18, कौन सा समीकरण सेकेंड। अब इसको लुप्तीकरण से हल करेंगे तो क्या होगा, समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड से, तो हो जाएगा ए प्लस डी बराबर 14 और ए प्लस टू डी बराबर 18,
माइनस का चिन्ह देंगे क्योंकि बीच में दे दिया माइनस, तो माइनस हो गया, ए से ए कट गया, माइनस में टू डी है प्लस में डी है, तो घट कर क्या आएगा माइनस डी बराबर 18 में से 14 जाएगा माइनस 4, तो डी बराबर क्या निकल के आ गया 4। अब डी का मान क्या करेंगे समीकरण फर्स्ट में लिख लेंगे, अब डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, अब डी का मान कहाँ रखेंगे समीकरण फर्स्ट में, तो समीकरण फर्स्ट ही है इसमें डी का मान रखेंगे, तो ए प्लस 4 बराबर कितना 14, इसीलिए ए बराबर कितना होगा 14 माइनस 4, तो क्या निकल जाएगा ए बराबर 14 में से 4 जाएगा तो कितना 10 निकल गया ए बराबर ना। अब ए और डी निकल गया तो हमको ज्ञात क्या करना था एपी के प्रथम 51 पदों का, तो एन मालूम है 51 ठीक है ना, एन हमको मालूम है कितना 51, तो योग ज्ञात करें, तो योग मतलब एस एन, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है एन बटे टू मध्यमा कोष 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी मध्यमा कोष 1, एन के जगह पर कितना डालना है 51, तो 51 बटे 2 मध्यमा कोष 2a, a का मान कितना निकाले 10 प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना निकाले हैं 4, तो रखेंगे यहाँ पर 4 मध्यमा कोष 1 बराबर 51 बटे 2 ठीक है, छोटी कोष्ट में कितना हो जाएगा 10 दूना 20 प्लस 51 में से एक गया तो 50 गुने 4 छोटी कोष्ट बंद बराबर होगा 51 बटे 2 गुने कितना हो जाएगा 5 × 20 200 और 200 में 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 220, ई 2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा 110, क्या होगा 51 गुने 110 गुना कर देंगे 51 में 110 से तो कितना हो जाएगा 5610 होगा इसका आंसर ठीक है ना, गुना करने के बाद 51 में 110 से ठीक है। अब क्या करते हैं इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, नौवा क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो इसके प्रथम एन पदों का योग ज्ञात कीजिए, एन पदों का हमको क्या ज्ञात करना है योग ज्ञात करना है, दिया हुआ क्या है प्रथम 7 पदों का योग 49, इसका मतलब हुआ S7 बराबर कितना 49, S7 मतलब इन हमको मालूम है केवल कितना 7, तो फॉर्मूला बैठा देंगे कितना 7 बटे 2 मध्यमा कोष 2a प्लस एन के जगह पर 7 माइनस 1 इंटू डी, इसका नहीं दिया हुआ ना ए दिया हुआ ना डी बराबर कितना हो जाएगा 49 हो गया, 7 बटे 2 नहीं कटेगा बराबर की उधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा 2a प्लस 7 में से गया 6d बराबर 49 गुने कितना हो जाएगा 2/7 ठीक है ना, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं तो a प्लस कितना होगा 3d बराबर 7 × 7 = 49, 7 × 2 कितना होगा 14, 2 से काट देते हैं 2 × 7 = 14 क्या हो जाएगा a प्लस 3d बराबर 7, ये फर्स्ट समीकरण हो गया। अब आगे का क्या कहता है प्रथम 17 पदों का योग कितना है 289, तो फिर कहता है पुनः S17 बराबर कितना 289, फिर n मालूम है कितना 17, तो लिखेंगे 17/2 मध्यमा कोष 2a प्लस 17 − 1 इंटू डी मध्यमा कोष बंद बराबर 289, फिर 17/2 को बराबर की उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 17 में से एक जाएगा कितना बचेगा 16d बराबर 289 गुने 2/ कितना 17, 17 से काट देंगे 17 मर्तबे क्या जाएगा 2a प्लस 16d बराबर कितना 17 × 34, इनमें से 2 कॉमन ले लेंगे a प्लस 8d बराबर कितना 34, 2 से काट देंगे इसको 17 मर्तबे तो हो जाएगा a प्लस 8d बराबर कितना 17, इसको सेकेंड समीकरण मान लिए, लुप्तिकरण से फर्स्ट और सेकेंड समीकरण को हल करेंगे तो ए और डी का मान निकलेगा, समीकरण फर्स्ट घटे सेकेंड से ए प्लस 3d बराबर कितना है 7 है और ए प्लस 8d बराबर कितना 17 है ना। अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो सबका चिन्ह बदलेंगे, माइनस 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 ए कट जाएगा, माइनस में 8 है प्लस में है तो घटेगा तो कितना हो जाएगा माइनस 5d बराबर 17 में से कट जाएगा तो कितना बचेगा माइनस 10, इसीलिए d बराबर कितना हो जाएगा माइनस 10 बटे माइनस 5
पांच दूनी दस, डी का मान कितना निकल के आ गया दो। अब डी का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे तो क्या लिखेंगे, अब डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, अब डी का मान कहाँ रखेंगे समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट क्या है ये है, ये में रखेंगे तो क्या हो जाएगा दो, यहाँ पर दो से यहाँ रखना है ना डी का मान ना, तो क्या हो जाएगा ए प्लस थ्री गुने टू बराबर कितना सात, तो ए प्लस सिक्स बराबर कितना होगा सेवन, इसीलिए ए बराबर सेवन माइनस सिक्स, तो ए का मान कितना निकल के आ गया वन, ए का मान निकल के आ गया वन। अब क्या करेंगे ए और डी हमको मालूम हो गया, तो अब ज्ञात क्या करना है एन पदों का योग, तो एस एन बराबर एन बटे टू मध्यमाकोष टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन का मान नहीं बैठाना है, क्यों नहीं बैठाना है क्योंकि हमको एन पदों का योग ही ज्ञात करना है, एन को वैसे ही रहने देंगे बटे टू टू ए, ए का मान कितना है ए का मान तो निकाले होंगे, ए का मान है एक प्लस एन, एन नहीं बैठाएंगे तो एन माइनस वन इंटू डी, डी का मान कितना है दो, दो रख देंगे ठीक है, मध्यमाकोष्ठ बंद, एन बटे टू छोटी कोष्ठ में जाएगा दुई का दुई प्लस टू एन माइनस टू हो गया ना, अब टू से टू खत्म तो क्या हो जाएगा एन बटे टू गुने टू एन, टू से टू खत्म तो क्या हो जाएगा एन गुने एन बराबर क्या होगा एन स्क्वायर, मतलब एस एन बराबर क्या आ गया एन स्क्वायर। तो क्या पूछ रहा था प्रथम एन पदों का योग याद कीजिए, तो प्रथम एन पदों का योग कितना आ गया एन स्क्वायर, हो गया छात्रों ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो छात्रों आज हम यहीं तक रहने देते हैं, इसका जो शेष क्वेश्चन बच गया है अगले क्लास में सॉल्व करेंगे, तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं, धन्यवाद।